Assalamualaikum नाज़रीन, आज एक नए पीसी वर्ल्ड को आया हूँ आपका होस्ट शराम नज़र। आज वेलकम बैक अनदर टेक्नोलॉजी की दुनिया की प्रोग्राम में, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईफोन 6 का। ये आता है 1 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ, और आपको 10,000 से 15,000 पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है। और ये आपको अच्छी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एंट्री लेवल यूज़र के लिए, इसलिए पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। 20,000 में भी अच्छा स्मार्टफोन आपको नहीं मिलता इस लेवल का, तो देखते हैं आगे। इसके अंदर रैम आपको मैंने बता दी है 1 GB, और स्टोरेज 64 GB आती है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एप्पल की है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। और फिर सिंगल कैमरा का सेटअप मिलता है बैक पे, और एक फ्लैश लाइट है, और आपको हेडफोन जैक सब कुछ मिलता है। इसके अंदर सारी पोर्ट्स हैं इसके अंदर, और इसमें डिस्प्ले एप्पल का रेटिना पैनल है। ये एप्पल की एक टर्म होती है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा अच्छे क्लियर डिस्प्ले है ये, और आपको अच्छे कलर से दिखाता है। और इसके बेजल काफ़ी मोटे हैं, तो ये ओके का एक्सपीरियंस देता है डिस्प्ले। तो बाकी डिस्प्ले ओके रेट करना चाहूँगा मैं, बेजल से आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप डिस्प्ले इसका अच्छा ही है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर एप्पल का ही प्रोसेसर है A8, और जो 20 नैनोमीटर में फैब्रिक है, और जो आपको रूटीन टास्क में तो कोई मसला नहीं करता। गेमिंग आप इस पर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो हल्की फुल्की गेमिंग हो जाएगी आपकी। वैसे ये गेमिंग के लिए नहीं है, वैसे भी 10,000 से 15,000 में आप गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कम से कम आपको यूएस स्मार्टफोन की कैटेगरी में 25,000 से 30,000 में तो जाना ही पड़ता है, तभी आपको गेमिंग स्मार्टफोन मिले। आगे चलते हैं कैमरा की तरफ। तो कैमरा में आपको मिल जाता है 1 MP कैमरा जो 5 MP का है, और एक फ्रंट कैमरा जो 1.2 MP का है। मैं इसमें शॉर्ट्स डालूंगा तस्वीरों के, आप जज कर सकते हैं कि कैसा कैमरा है इसका। ठीक ठीक लगा इस प्राइस रेंज में, ठीक कैमरा, फिर भी आप कैमरे के लिए इस प्राइस रेंज में लेना भी नहीं है। या फिर ये वही लोग होते हैं जो अपने बच्चों को ले लेते हैं, फिर जो ना छोटे मोटे यूज़ करना होता है, या फिर कोई बहुत ही एंट्री लेवल यूज़र जिसमें व्हाट्सएप कॉलिंग करनी है बस, तो वो एंड्रॉयड फ़ोन पर शिफ्ट हो जाता है वो किट पैड फोन से, तो आप ये यूज़ ले सकते हैं। तो ये 10,000 से 15,000 वाले वही यूज़र्स होते हैं। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें मिलती है 1800 mAh की बैटरी। तो बैटरी इसका एक कौन ऐसी है, इसकी बैटरी बहुत छोटी है। तो जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उनके अंदर तो इतना होता नहीं है कि बैटरी इतनी बड़ी हो, इसलिए वो छोटी सी डिस्प्ले होती है उनकी, कि अच्छी खासी बैटरी चल जाती है। तभी इसकी 1800 mAh की बैटरी है जो आपको नॉर्मल यूज में भी 2 घंटे ही देती है, गेम गेमिंग में खर्च 20 से 30 मिनट देगी, इससे ज़्यादा यू पर जाने भी नहीं वाला। तो गर्म भी हो जाता है स्मार्टफोन, वैसे भी अभी भी गर्मी चल रही है, सर्दियों में हो सकता है ठीक हो जाए, अभी के लिए तो गर्मी ही आती है स्मार्टफोन। तो इसकी और चीज़ों की बात कर लें तो इसमें स्पीकर आपको एक सिंगल ही मिलता है, ऑब्वियसली बहुत 8 साल पुराना स्मार्टफोन है, सिंगल ही आपको स्पीकर मिलेगा। तो यही कंक्लूजन की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आई थिंक कोई और स्मार्टफोन आता भी नहीं है, आते भी हैं तो 2-32, 3-32 आते हैं। तो इसका मेजर प्रो है वो इसका स्टोरेज है। इसके अंदर स्टोरेज 64 GB और एप्पल की 1 GB रैम है। 1 GB रैम भी 2-3 GB एंड्रॉयड रैम वाला काम कर देती होती है। तो अच्छा फ़ोन है आपका, छोटे फॉर्म फैक्टर में है तो आपको बड़े फ़ोन पसंद है तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। छोटे में ला जाते हैं बच्चे के लिए, छोटे छोटे ये 10,000 से 15,000 के लिए घर में रखना है, बच्चों के लिए ले जाते हैं तो अच्छा फ़ोन बन सकता है। अभी रूटीन में आप कोई ऐसे यूज़र हैं तो गेमिंग भी करनी है, ये भी करना है, तो उसके लिए आप आपको बजट पुश करना होगा अपना, और आपको कम से कम 20,000 रुपये चाहिए होते हैं। उसमें आपको एक्ोस मिल जाता है, और एक्ोस R2 मिल जाता है, मोटरोला मिल जाता है, उसमें आपको ठीक ठाक गेमिंग मिल जाती है। इसमें आप गेमिंग कर भी नहीं सकते, और बहुत ही एंट्री लेवल कर सकते हैं, जैसे कि कैंडी क्रश, लूडो, सब सर्फर, डॉक्टर ड्राइविंग जैसी गेम का उसमें खेल सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप एक एंट्री लेवल यूज़र है जिसको व्हाट्सएप या फेसबुक भी चलाना है तो आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। फिर भी एक मैं आपको इसका मेजर कौन बता दूँ, इसके अंदर यूट्यूब नहीं चलती, और आपको इसका जो सफारी ब्राउज़र है उसके ऊपर आपको यूट्यूब चलानी होगी इसकी, वरना इसके अंदर यूट्यूब नहीं चलती। इसलिए ये iOS 12.5 पे है, तो इसको अपडेट नहीं आई हुई, तो ये आई थिंक जो मार्केट के अंदर जो है वो खुद अपडेट करके आपको दे रहे हैं, वो वैसे इसको अपडेट आई थिंक सो नहीं आई हुई, क्योंकि ये कोई अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे नहीं मिली।
और ये आप बात ध्यान में रखिएगा, यूट्यूब ना गूगल इस पर नहीं चलती, ना इंस्टाग्राम चलता है इसके ऊपर, चाहे ट्विटर भी नहीं चलता, स्नैप भी तो चल जाती है। तो देखो एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, कंक्लूजन यही है कि आप पढ़ लेना चाहते हैं 10 से 15 हज़ार लो बजट है तो ठीक है, ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि इतने बजट के अंदर स्मार्टफोन लें, आप कम से कम 15 से 20 हज़ार चाहिए ही होते हैं। तो आपको कोई बंदा 8 से 9 हज़ार या फिर 10 हज़ार में भी ये सेम किट दे रहा है तो आप ले सकते हैं। 15 हज़ार इसके वैल्यू के लिए बिल्कुल ही इनफ है, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। 15 हज़ार में तो मोटोरोला का फ़ोन आ जाता होता है, उसकी 6.3 इंच की स्क्रीन है, उसकी 4.7 इंच की है, और में 2 इंच का फ़र्क आ जाता है, इतना फ़र्क है 2 इंच का। तो यही मेरी कंक्लूजन, यही थी आज हमारा टेक्नोलॉजी की दुनिया का एपिसोड। आपको पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।